हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने अब नया नया एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया है और क्या है, आपने एक वेबसाइट बना लिया कोई निश पे, या बेबी शूज़ हो, किचन किचन प्रोडक्ट हो, फ्रीज हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या है, कीवर्ड फाइंड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। अगर RFP भी यार यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं पता कैसे उसको फाइंड करना है, तो आपको 5 मिनट में क्या होगा, आपको कोई भी कीवर्ड, आप लो कंपटीशन वाला, हाई वॉल्यूम वाला आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। और उस कीवर्ड को आप आर्टिकल से, पोस्ट लिख के अमेजोन से आप उसको क्या कर सकते हो, उसको रैंक करा सकते हो। तो ये सारे डाउट आज क्लियर हो जाएगा आपको 2-5 मिनट के अंदर, कैसे एक कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो कोई भी एक लो कंपटीशन वाला। तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, और बताने से पहले हमेशा बोलता हूँ मेरे चैनल में जो नया है सब्सक्राइब करना प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं डिस्क्रिप्ट को स्क्रीन पे आ गया। तो आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप कोई भी निश के काम कर रहे हो, जैसे कोई मोबाइल के निश, मतलब निश तो अलग है, एफिलिएट मार्केटिंग तो एक ही होता है, तो कोई मांग कोई चलो बेबी प्रोडक्ट के ऊपर वेबसाइट बना लिया, और उसको क्या है, बार बार क्या होता है, अमेजोन में कौन सी कीवर्ड पे काम करूँ ये बहुत टेंशन में आ जाता है। मैं कौन सी प्रोडक्ट उठाऊँ और कौन सी कीवर्ड में लो कंपटीशन है ये टेंशन में आ जाता है, और कीवर्ड कैसे फाइंड करो लो कंपटीशन वाला। तो मैं एक टिप्स बताऊँगा, जैसे बेबी प्रोडक्ट, कोई भी बेबी प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, बेबी डायपर, बेबी शूज़ ले लेता हूँ। ठीक, अभी मेरे को बेबी शूज़ के ऊपर एक आर्टिकल्स लिखना है, तो बेबी शूज़ के ऊपर अगर आर्टिकल्स मतलब पोस्ट बनाना है, तो उसमें अगर कीवर्ड कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो RFP भी अब नहीं मिल रहा है, RF आपके पास है, तो मैं RF और गूगल दोनों कॉम्बिनेशन ये चीज़ बनाऊंगा कीवर्ड फाइंड, कैसे 5 मिनट में आप इस चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये भी कौन सी प्रोडक्ट डालूँ, इसमें थोड़ा टेंशन भी हो सकता है बंदे को, क्या करूँ। तो आपको क्या करना है, पहले आपको गूगल का सहारा लेना है, कैसे लेना है मैं बता देता हूँ उसको। तो बेबी प्रोडक्ट के लिए जैसे मैंने यह सर्च करी, बेस्ट बेबी बेबी शूज, बेस बेबी शूज ब्रांड, देखो गूगल में पहले जैसे कीवर्ड फर्स्ट जो सर्च होता है वो, जैसे आप बेस्ट बेबी शूज टाइप करोगे उसके बाद बेस्ट ब्रांड आ रहे हैं, तो बंदा ये सोचना पड़ेगा पहले ब्रांड बंदा ढूंढ रहा है, या बेस्ट बेबी फॉर वॉकिंग, ठीक, बेस्ट बेबी न्यू वॉकर, जो नया नया पैदल चलना सीखा जो बच्चा, उसके लिए कौन सी जूता सही हो, तो बंदा ऐसे ढूंढता है। अभी मैंने एक कीवर्ड यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे ले लिया इसको कीवर्ड, तो हमको ये कौन सी वेबसाइट है, गुड हाउस कीपिंग डॉट कॉम, ये वेबसाइट रैंक कर गया। अच्छा, उसके बाद दी थम्प डॉट कॉम बेबी वॉक शू, ये हमको क्या हो गया, ये रैंक कर गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अगर लो कंपटीशन वाला कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, इस वेबसाइट बेबी प्रोडक्ट के ऊपर है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये बेबी प्रोडक्ट है, तो इसको लगता है बेबी प्रोडक्ट, मैं इसको होम पेज में जाके देखूँगा, ये एक्चुअली चिल्ड्रेन प्रोडक्ट के ऊपर काम किया और भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, तो मैं इसको सिर्फ होम पेज में जाता हूँ, इसको जो मेन वेबसाइट है मैं इसको क्लिक किया, देखते ही इस वेबसाइट अगर सिर्फ बेबी प्रोडक्ट के ऊपर बनाया तो ठीक है, नहीं तो मैं इस वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट देखूंगा। ये वेबसाइट लगभग सारे कुछ के लिए बनाया, तो मैंने क्या करूंगा, इसको बैक करूंगा और मैंने देखता हूँ रेसिपी, इसमें और भी कोई वेबसाइट मैं ले लूँगा, ठीक, जो ऑलरेडी बेबी प्रोडक्ट का जो वेबसाइट बना है, ये द हम्प, द वेरी वेल फैमिली ऑक्सफोर्ड, मैं इसको भी देख लेता हूँ एक बार, इस वेबसाइट को भी देख लेता हूँ। अच्छा, ये लगता है बेबी प्रोडक्ट के ऊपर ये वेबसाइट है, ठीक है, प्रेगनेंसी सेकेंड शॉप, प्रेगनेंसी बेबी का है, तो इसको क्या करूँगा, मैं इस वेबसाइट को कॉपी कर लूँगा, इस वेबसाइट को सिर्फ कॉपी करना है जो ऑलरेडी रैंक हो चुका है। अभी मेरे को आना है कहाँ पे, RF टूल में। RF टूल के बारे में मैंने बताया, टूल जिप में बहुत सस्ता में मिल जाता है कभी कभी उसके पास, तो अगर टोकन ले लो, मतलब सॉरी कूपन कोड ले लोगे, तो 5200 रुपये में अंदर आपको 1 महीने के लिए आपको क्या है, RF मिलने का फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। आपकी इसके डोमेन को आप यहाँ करोगे और यह करोगे सर्च, जैसे सर्च करोगे ये क्या करेगा, आपका इसको ऑर्गेनिक कीवर्ड, इसका ट्रैफिक सब कुछ दिखा देगा, ठीक।
अभी इस वेबसाइट का मैंने सब कुछ, इसके डीएपीए बहुत ही अच्छा है, बैकलिंक्स देख लेता हूँ, आरएफ रैंक की बहुत बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ठीक है। इसके बेबी प्रोडक्ट के ऊपर बनाया इसमें, हाँ इसमें बहुत अच्छा ट्रैफिक है, 15 से वेबसाइट 14-15 से 16 से इसको ट्रैफिक बढ़ गया, सीधा 12,000 के आसपास, ठीक है। रेफरिंग पेज है, डोमेन रेटिंग है, ठीक। अच्छा इसमें टोटल डू फॉलो बैक लिंक इतना, अगर आपको उस वेबसाइट का डू फॉलो बैक लिंक चाहिए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, एडुकेशन कौन सी एडुकेशनल, जो एडुकेशन वेबसाइट से वो बैक लिंक लिया तो यहाँ से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा, पूरा बताऊँगा, थोड़ा नहीं पूरा बताऊँ। अभी मेरे को क्या करना है, जो ऑर्गेनिक सर्च कीवर्ड है इसमें 1.5 मिलियन है, इसको हमको क्लिक करना है। तो हमको एक नीश पे काम कर रहा है, एक नीश पे जैसे बेबी प्रोडक्ट, अभी हमको बेबी प्रोडक्ट का कीवर्ड फाइंड करना है जो लो कंपटीशन हो। अगर मेरा आप वेबसाइट सॉरी आपका वेबसाइट नया हो तो आपको क्या करना, तुरंत एक कीवर्ड या 10 कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते, पर डे का आर्टिकल्स बना सकते हैं। और अमेजोन में जैसे प्रोडक्ट उठा के, अमेजोन में आपके पास हुजोन हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप भी खुद उठा सकते हैं। तो इसके लिए मैं हुजोन के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया तो और एक बनाऊंगा, और बिना हुजोन के भी आप प्रोडक्ट को कैसे स्पिन कर सकते हो वो भी एक बनाएंगे। तो इस आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ना, ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर सर्च करना है, ठीक। सर्च करने के बाद ये थोड़ा टाइम ना ले ली हो गया है, मैं सोचा थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेट स्लो है। अभी आपको देखो ये सारे कीवर्ड आपको दिखा देगा। एक देखो कैलिन, कैलिन क्या चीज़ है, इसमें 19,000 इसका वॉल्यूम है, और इसका देखो इसको कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है और पोजीशन 1 से नीचे आ गया। अभी ये क्या चीज़ है, कैलिन बेबी नेम, इस कीवर्ड के ऊपर देखो इतने बंदा आया। अभी मैं थोड़ा लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढूंगा, मैं तो कीवर्ड डिफिकल्टी, मैं इसको क्या करूँगा, वॉट काउंट कीवर्ड डिफिकल्टी मेरे को रखना है, पहले मैं लॉन्ग टेल 3 रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग टेल तो लेना है मतलब अमेजोन में क्या है, छोटा छोटा प्रोडक्ट के बंदा फाइंड करता है, ऐसे नहीं जो ब्लॉगर में लंबा सा कीवर्ड टाइटल करोगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड लगा तो रैंक जल्दी करेगा, इसमें वो ऐसे नहीं होता। अभी मेरे को बेबी बॉयज़ नेम आ गया, अभी इसमें सारे कीवर्ड डिफिकल्टी 10, ये 10 है, रशियन गर्ल्स नेम, इन नेम्स के बारे में आ गया। अच्छा अभी मेरे को क्या है ना, कीवर्ड डिफिकल्टी मेरे को क्या डालना है, मैं 0 to 0 to 5 डालता हूँ। आपकी क्यों, आप अगर आपके वेबसाइट का उम्र 1 साल है या 1 साल के आसपास 6 महीना है, आपको 0 to 5 लेना है, आपको पहले रैंक कराना है, फिर 1-2 सवाल, जैसे आपको डीएपीए बढ़ेगा 10-20 हो जाएगा तब आप से 1 से 0 से 10 से 10 से 12 ले सकते हो। अच्छा मेरे को अभी इसको क्या करना है, तो मिनिमम कीवर्ड डिफिकल्टी मैंने दिया 5, 0 to, और कीवर्ड काउंट दिया 3, ठीक। अभी मेरे को देखता हूँ कौन सी कीवर्ड आता है, इसमें हमें सर्च रिजल्ट इंडिया में दिखा रहे 14,600 इतना। अभी इसमें देखो हवली गर्ल्स नेम्स, अच्छा इसमें हमको मिल जाएगा आपका बच्चे का जो प्रोडक्ट है वो सारे मिल जाएगा। अभी ये नेम के बारे में ज़्यादा दिखा रहा है तो मैं इसको ढूंढता हूँ कोई, तो इसमें क्या है, इसके नेम के बारे में ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, हवली बेबी गर्ल्स नेम्स, गर्ल्स नेम्स, इसमें बेबी प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है शूज़, तो आपको शूज़ लिखना है, तो इसको इंक्लूड में आपको एक टाइप करोगे SSW SS शूज़ करोगे और एक कैमा देके एंटर मारोगे आपको, ठीक। शू मैंने शू टाइप कर, देखते आता कि नहीं, अगर आता तो ठीक है, नहीं तो बैम बेबी शू टाइप करूँगा। तो हमको ये एक सर्च करके उस वेबसाइट में जितने सारे आर्टिकल्स है, इसमें अच्छा देखा था टोवर वाटर सैंडल्स, अच्छा ये टोडर वाटर सैंडल्स है, इसमें 150 वॉल्यूम से और कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, ये पोजिशन एक एक है। अभी इसको मैं ठीक है, और टोडर वाटर सैंडल्स प्रेगनेंसी शू फॉर सैलून फिट, अच्छा टोडर बीच शूज, अच्छा टोडर टोडर बीच शूज, मैं इसको देख लेते हैं। इसको इसमें क्या है, आपका अगर वेबसाइट नया है तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है, आपको कीवर्ड रैंकिंग करना है। अगर मान के चलो आप 50 आर्टिकल लिखा और 50 आर्टिकल्स में आपको सारे 50 में 25 भी रैंक कर गया जिसके वॉल्यूम है 200, तो आपको 200 क्या होता है, 200
200 अगर रैंक कर गया, मतलब 25 रैंक किया, जीरो की और डिफिकल्टी थोड़ा देख के बैकलिंक बना लिया थोड़ा बहुत, तो मान लीजिए उसमें वॉल्यूम अगर 200 है तो 20 अगर आर्टिकल रैंक कर गया आपको 20, तो आपको वेबसाइट में ट्रैफिक कितना आ गया, 4000, 4000 100% सेल होने का कन्वर्ट रहता है। ठीक, अभी मैं इसको कोई भी शूज़ ले सकता हूँ, अभी इसको शूज़ में की और डिफिकल्टी थोड़ा जीरो ले, तो बेबी वाटर शूज़। अच्छा, इसमें देखो जीरो की और डिफिकल्टी है, और बेबी वाटर शू में मैं इसको अलग से खोल लेता हूँ। जैसे अलग से खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पूरी जानकारी मेरे को मिल जाएगा, ये बैक जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट है वहाँ से कितना बैकलिंक्स लिया, ए टू जेड मिलेगा। तो ये जीरो की और डिफिकल्टी 500 वॉल्यूम से, और इसमें 603 क्लिक से, और यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को इंडिया से नहीं दिखा रहा है, तो मेरे को अब दिखाना था, तो इसमें मैं देख लेता हूँ। ये अमेजोन पहले रैंक में है, उसके बाद बेबी वाटर शू टारगेट डॉट कॉम है, इस पे बैकलिंक जीरो बनाया। ठीक है, इस वेबसाइट बैकलिंक जीरो बनाया, तो अभी मैं इसको एक बार, बेबी वाटर शूज है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक बार अमेजोन में जाऊँगा, इसमें बेबी वाटर शूज, वाटर शूज, ठीक है जी, तो मैं बेबी वाटर शूज में जाऊंगा, देखता हूँ इसमें कुछ है कि नहीं अमेजोन में। अच्छा, मिलेगा, तो आप इंडिया में हो तो इंडिया में से भी वाटर शूज आप यूज कर सकते हो, इसको रैंकिंग करा सकते हो, बेच सकते हो। ठीक, तो ऐसे करके आपको कोई भी जैसे निश है ना, उसी हिसाब से आपको पहले गूगल में फाइंड करना है, फिर जो वेबसाइट टॉप रैंकिंग एक दो आपको देखना है, अगर वेबसाइट है मिक्स है, मतलब पूरा एफिलिएटेड मार्केट का मिक्स है, तो नहीं उठाना। अगर आपके जो नीश है, जैसे आपका बेबी शूज़ के ऊपर है, आपका किचन का है, तो उसी हिसाब से आपको उस वेबसाइट को उठा पे कीवर्ड, इसमें जो कीवर्ड साइट में डालोगे तो ऑर्गेनिक कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो ये था मेरे को जो एक नीश पे और काम कर रहा है, जो एक वेबसाइट में फटाफट एक कीवर्ड को फाइंड करने का तरीका। तो अगर इस वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। धन्यवाद।